नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में, मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पुलिस ने पकड़ा मजदूरों से भरा टैंकर, लॉकडाउन के चलते बंगाल से आ रहे थे मजदूर। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भेजे 20,000 सैनिटाइजर, जेजेपी के जिला प्रधान ने उपायुक्त को सौंपे पैकेट। लॉकडाउन के चलते मिलने वाली 1,000 रुपए की वित्त सहायता के लिए जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, फॉर्म जमा किए जाएंगे नगर परिषद में। लॉकडाउन के चलते शहर के रामबाग में बनाया जा रहा है भोजन, प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार हो रहा है भोजन। जरूरतमंदों के लिए महंत ने किया सेवकों के साथ रक्तदान। बीपीएल कार्ड धारकों को बांटा गया जिला प्रशासन द्वारा फ्री गेहूं, डिपो होल्डर के माध्यम से बंटवाया गया गेहूं। पीछे भी पूरा बाजार ऐसा लग रहा है कि पूरे भिवानी शहर में लोग पूरी तरह से लॉकडाउन में साथ हैं और पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। गांव सांजरवास में युवाओं ने बनाई जुगाड़ू फॉगिंग मशीन की फॉगिंग। चरखी दादरी व आसपास के गांवों में भी लॉकडाउन का दिखा खासा असर। संकट की इस घड़ी में भिवानी हलचल परिवार आपसे निवेदन करता है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ दूरदर्शन के चैनल नंबर 29 पर सुबह व शाम 9 बजे मंत्रमुग्ध कर देने वाली रामायण और 281 नंबर चैनल पर दोपहर 12 बजे आपका अपना मनपसंद सीरियल महाभारत देख सकते हैं। वहीं हरियाणवी चैनल 131 पर दोपहर 12 बजे चाणक्य सीरियल का भी लुत्फ उठा सकते हैं। और अब खबरें विस्तार से। कंप्लीट लॉकडाउन के चलते भी हमारे देश में लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या प्रशासन की अपील की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुधवार को भिवानी पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में लगे नाके पर एक कैंटर रुकवाया तो इसमें करीबन 32 पुरुष, महिलाएं व बच्चे निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के बावजूद यह कैंटर पश्चिम बंगाल से चला था और यहां तक पहुंच गया। इन सभी को जांच के लिए तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। ये जो आप इन लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये कोई परीक्षा के लिए नहीं बल्कि चेकअप के लिए बैठे हुए हैं। बुधवार को भिवानी पुलिस ने वेस्ट बंगाल के नंबर का एक कैंटर औद्योगिक क्षेत्र में पकड़ा। औद्योगिक क्षेत्र थाना ने टैंकर रुकवाया और जब इसकी जांच की गई तो इस कैंटर में 32 पुरुष, महिलाएं और 2 बच्चे पाए गए। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे पश्चिम बंगाल में प्राइवेट जॉब करते हैं और लॉकडाउन के चलते इन्हें वापस घर भेजा गया है। इसके चलते डाक पार्सल कैंटर में बैठकर ये अपने क्षेत्र में लौट रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें सामान्य अस्पताल भिवानी में चिकित्सकों के पास चेकअप के लिए भेजा गया। जब इस बारे में पुलिस उपाधीक्षक वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में इंस्पेक्टर विक्रम ने नाका लगाया हुआ है और जब इस नाके पर कैंटर को रोका और उसका चेकअप किया गया तो उसमें 32 आदमी मिले, जिन्हें लेकर वे तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचे और यहां इनका चेकअप कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि धारा 188 के तहत लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
अरे इंडस्ट्री एरिया एस एच ओ विक्रम जोशन अपनी टीम के साथ जब रोहतक रोड के ऊपर चेकिंग पर थे तो एक कंटेनर वेस्ट बंगाल नंबर का जब आया तो उन्हें शक हो गया कि भाई इसमें जो है व्यक्ति सवार अभी इसमें कोई व्यक्ति सवार है। उन्होंने जब कंटेनर को चेक किया तो कंटेनर में लगभग 28 महिला और पुरुष वो बैठे हुए थे पीछे। ये व्यक्ति पूछताछ पर पता चला है कि वे वेस्ट बंगाल में कोई DLF डनलप कंपनी है जहाँ काम करते थे और भिवानी के आसपास खास करके भवानी खेड़ा हांसी हिसार या हमारे राजस्थान के बॉर्डर के साथ लगते हुए गांव के जो व्यक्ति हैं अपने परिवारों सहित वहाँ काम करते थे। वो फैक्ट्री बंद होगी तो पुर गांव का एक व्यक्ति है राजकुमार जो इन्हें कंटेनर में अपने साथ लेके आ रहा था। ये कंटेनर भी उसी कंपनी में लगा हुआ है लेकिन कंटेनर डाक पार्सल का है जो इधर से उधर लेके जाता है। इस कंटेनर में बैठ के ये कलकत्ता से चले थे और रास्ते में सुनसान जगह पर ये कंटेनर को रोकते थे नाकुना और लेते थे और जब ये यहाँ हमारे नाके पर पहुँचे तो इन्हें रोक लिया गया और अब हॉस्पिटल में इनको चेक करवाया जा रहा है कहीं कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है इनके खिलाफ, क्योंकि सारे देश के अंदर धारा 144 लागू है और एपिडेमिक एक्ट लागू है इसके अंतर्गत इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इंडस्ट्री एरिया थाना का नाका लगा हुआ है तो हम जो है ना एक साधन को रुकवा रहे हैं। कोई तो इमरजेंसी वाला साधन है, कोई बीमार है उसको जाने दे रहे हैं। तो हमने इससे पूछताछ करी तो इसने बताया अब इतने बंदे हैं आज तो उस बंदों से आने आए जी रोक के पूछताछ करी कलकत्ता से आए हुए। सर कौन सी गाड़ी थी और कितने आदमी थे? ये गाड़ी खड़ी लंबी करियर है कैंटर लंबे वाला और ये फैक्ट्री में वगैरह काम करते थे। कोरोना वायरस से बचाव की मुहिम में मंत्री से संतरी तक या सामाजिक संगठन कोई भी पीछे नहीं है। संक्रमण की रोकथाम के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से जिले में 20,000 सैनिटाइजर्स भेजे गए हैं। JJP के जिला प्रधान विजय गोठणा ने जिला उपायुक्त अजय कुमार को उनके कार्यालय में पहुंचकर ये सैनिटाइजर्स भेंट किए। इस दौरान JJP के डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज भी उनके साथ मौजूद रहे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन भी किया जा चुका है और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। साथ ही लोगों को सैनिटाइजर का प्रयोग करने और बार बार हाथ धोने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने जिला भिवानी के लिए 20,000 सैनिटाइजर भेजे। पार्टी के जिला प्रधान ने सैनिटाइजर उपायुक्त अजय कुमार को भेंट किए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए उनके द्वारा प्रशासन का हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को सैनिटाइजर मिलना जरूरी है जिसके लिए सैनिटाइजर को रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से सही ढंग से नागरिकों में वितरित किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी ने आज ये ट्रक जो भरा हुआ है सैनिटाइजर का ये भेजा है और ये हमारे प्रधान विजय गोठड़ा, मैं और पार्टी के सभी जो पदाधिकारी हमने मिलके ये प्रशासन को डी साहब को अभी ये दिया है। और संकट की इस घड़ी में जितनी सावधानियां बरतनी चाहिए वो हमें सबको बरतनी चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी के उस आदेश का मैं कहूँगा हमें पालना करनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की भलाई के लिए नहीं, ये पूरे देश की और हर व्यक्ति की भलाई के लिए ये बात है। और जी ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल बचाव है, सोशल डिस्टेंसिंग और सावधानियां बरतना। कि गांव में वार्ड में हर घर के स्तर पर ये भेजे जाए और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत जी चौटाला की तरफ से ये आश्वासन भी है कि प्रशासन को अगर और ज़रूरत होगी तो और भी भेजेंगे। इसके अलावा कल पार्टी की तरफ से 15,000 फेस मास्क भी आए थे जो हमने ओसाम और शिवानी में बांटे हैं और पार्टी की तरफ से कई जगह खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की है, जैसे तोसाम में शिवानी रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, इसी तरह शिवानी में भी, बुहारू में भी, बहुत जगह जहाँ जहाँ भी जरूरत महसूस हो रही। प्रशासन के साथ मिलके अपने सत्र पर अकेले नहीं करे, प्रशासन की सहमति लेके और बार बार प्रशासन के अधिकारी CMO वगैरह भी खाने की क्वालिटी और इस तरह की सारी मेडिकल सुविधाएं भी चेक करने आते हैं। लॉकडाउन के चलते गरीब, जरूरतमंद एवं प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है।
जिसके तहत 1000 रुपये प्रति सप्ताह उन्हें वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के लिए प्रत्येक पार्षद के माध्यम से एक फॉर्म भरकर नगर परिषद में जमा करवाना होगा, जिसके बाद उन्हें यह सहायता राशि दी जाएगी। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते हुए मजदूर तबका लोगों के लिए 1000 रुपए वित्त सहायता देने की घोषणा करते हुए उसकी गाइडलाइन जारी की है। देश पर आए कोरोना वायरस जैसे संकट के चलते प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है। ऐसे में मजदूर तबका खाने की वस्तुओं और अपनी जन सुविधाएं पूरी करने के लिए परेशान ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा 1000 रुपए साप्ताहिक देने की घोषणा की गई थी, जिसके फॉर्म भरने शुरू कर दिए गए हैं। जरूरतमंद लोगों को ये फॉर्म पार्षद से प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसे नगर परिषद में जमा कराना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम निकाली हुई है, जो भी पत्र हैं, जो घर में रहकर जो मजदूरी करते थे, जिसमें इसमें 8 कॉलम दे रखे हैं, कोई फेरी लगाता हो, औद्योगिक उसमें फैक्ट्री में काम करता हो, रिक्शा चालक हो, घरेलू कामगार करता हो, डब्बा रेस्तरा पे काम करता हो, सुरक्षा कर्मी हो, ऑटो रिक्शा चालक हो और अन्य कोई ऐसा साधन जो अपना रोज कमा के खाते हो, उनके लिए सरकार ने फॉर्म निकाला है। हम यहाँ पर हमारे जो साथी हैं वो सब मिलकर सेवा कर रहे हैं। हमारे भिवानी शहर में हमने ये कहा किसी को कोई समस्या हो तो हमसे आगे मिल सकता है। इसके अलावा हम घर घर जाकर खाने के पैकेट पहुँचाते हैं हमारी टीम, क्योंकि ये समाज सेवा के रूप में एक आज इतने देश में विपदा है उससे निपटने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें आगे आना पड़ेगा। इसलिए और आप सबका सहयोग है, सभी मैं यही अपील करना चाहता हूँ, लोग अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ना निकले। ये अभी मेरे पास 1500 के करीब फार्म आ चुके हैं और खाने लग रहे कल से इस काम में लिया हूँ। इसके अलावा खाने का काम भी हमारे साथ। तो इस फार्म से क्या बेनिफिट मिलेगा जो ये? इसमें 1000 रुपये हफ्ते की गहरी सरकार के ये फार्म भर के दोगे, जो पत्र इसमें लायक होंगे उनको 1000 रुपये हफ्ता सरकार देगी, जिससे कि वो अपना किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लॉकडाउन के चलते प्रशासन की ओर से करीबन 10,000 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन खाना तैयार किया जा रहा है। इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन का कहना था कि कोई भी व्यक्ति इस सामाजिक सेवा में किसी भी तरह का सहयोग दे सकता है, जिसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते जहां खाद्य सामग्री का वितरण काफी सामाजिक संस्थाओं द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को किया जा रहा है, इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा हर रोज 10,000 प्रवासी मजदूरों का भोजन बनाने की व्यवस्था शुरू की गई है। शहर के रामबाग में ये भोजन बनाया जाता है। इस संबंध में नगर परिषद चेयरमैन ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी कोई भी प्रवासी मजदूर या असहाय परिवार दिखता है तो उसे तुरंत रामबाग से भोजन लाकर देने में सहयोग करे, ताकि शहर में कोई भी व्यक्ति भूख से ना सोए। सभी भिवानी शहरवासियों से मेरी प्रार्थना है, जो जिस भी वार्ड में सभी पार्षदों के साथ मिल करके जिस वार्ड में भी कोई भी व्यक्ति अगर भूखे हैं या जिनको खाने की ज़रूरत है, जो प्रवासी मजदूर हैं, जिस कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी नेतृत्व करके अगर खाना रामबाग से लेकर के आकर के पूरे शहर के अंदर खाना पका हुआ खाना हम बांटने जा रहे हैं, या पूरी महापंचायत द्वारा और प्रशासन द्वारा मिल करके इस मुहिम को तैयार किया है और रामबाग के अंदर लगभग 10,000 आदमियों का खाना डेली हम बनाने जा रहे हैं सुबह दोपहर शाम। तो सभी से मेरी विनती है कि सभी आपके चैनल के माध्यम से आप लोग सभी पत्रकार साथियों से भी प्रार्थना करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं लोगों में, ताकि लोगों को पता रह सके और कोई भूखा न सोए। हमारा प्रशासन का यही कार्य है कि कोई भी व्यक्ति भिवानी शहर के अंदर भूखा न रहे, इसलिए हमने पूरी रामबाग में एक ऐसी व्यवस्था करवा दी बिल्कुल हाइजीनिक। जो भी खाना बनेगा दो बार वो खाना डॉक्टर साहब से चेक होगा और बिल्कुल हाइजीनिक के साथ, और अगर कोई इमरजेंसी जिसको ड्राई राशन भी चाहिए तो भी हम वहीं से रामबाग से दिलाने का कार्य कर रहे हैं। सभी शहरवासियों से मेरी प्रार्थना है, जितने भी जो भी युवा साथी हैं, अगर ला करके कोई बुजुर्गों के लिए खाना देने में रामबाग में हमारी मदद करें। भिवानी के सामान्य अस्पताल में रक्त की जरूरत पड़ने पर प्रतिदिन जरूरत से कहीं ज्यादा लोग रक्तदान के लिए पहुंच जाते हैं। बुधवार को जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी स्वयं और उनके सेवकों ने सामान्य अस्पताल में पहुंचकर रक्तदान किया। इस दौरान जरूरत के हिसाब से 14 यूनिट रक्त ही लिया गया। महंत अशोक गिरी का कहना था कि रक्त की दो बूंद भी किसी व्यक्ति की जान बचा सकती हैं और इस संकट के समय में उसका जीवन बच सकता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी व उसके सेवकों ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया।
इस दौरान सामान्य अस्पताल प्रशासन ने जरूरत के हिसाब से करीबन 14 यूनिट रक्त लिया, जबकि बाकी लोगों को रजिस्टर में नाम दर्ज करके वापस भेजा गया ताकि जरूरत पड़ने पर उन लोगों को रक्तदान के लिए बुलाया जा सके। रक्तदान करने से पहले जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत अशोक गिरी ने कहा कि रक्तदान से बढ़कर इस दुनिया में कोई बड़ा दान नहीं है। रक्त की दो बूंदों से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद भिवानी सामान्य अस्पताल में रक्त की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, जिसके लिए आश्रम के सेवक रक्त देने के लिए हमेशा तैयार हैं। दौरान हर व्यक्ति अपने अपने सहयोग से सहायता कर रहा है, तो युवा व्यक्ति युवा पीढ़ी हो आगे आए और रक्तदान करे, महादान करे इस बीमारी में, तो जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त काम आएगा। और ऐसे व्यक्ति हैं जो हर तरह की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन रक्त जो बॉडी के अंदर ही शरीर के अंदर है, तो अपना रक्त दान कर कर इस पुण्य में महाभागी बने और पुनः लड़ने के लिए पुनः योद्धा बने। उसी मान धने भौतिक कृपा की ना किए थे, माई कृपा हो तो सब कुछ संभव है। रात्रि चल रहे हैं, इसी बीच एक महामारी का आगमन भी है और महामारी नाश के लिए हमारी सरकार, आप और हम सब सार्थक प्रयास कर रहे हैं। एक प्रयास और हो, कल जो कन्या भोजन की व्यवस्था महानवमी पर रामनवमी पर करते हैं, वो आप यथाशक्ति वो पीएफ फंड में प्रधानमंत्री राहत कोष में देकर वो अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। किया हुआ दान महानवमी पर किया हुआ दान महापुण्य प्राप्त करता है। यथाविधि लभ्येत पूजति न संकीर्णोमी, कि भविष्य में किसी तरह का भी कोई कष्ट न हो, इस प्रकार के लिए हम नवरात्रि करते हैं। क्या कल बेटी पूजन, दुर्गा पूजन इस महामारी के बीच हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब अब अपने घरों के अंदर हैं लॉकडाउन के अंदर। तो आप सब आज सबके पास सुविधाएं हैं, घर पे बैठे बैठे पीएम राहत कोष में जितनी भी आप शक्ति है, 1.5 kg, 2 kg, 5 kg सामग्री बनाते हैं देसी घी की, उतनी मात्रा में उस धन का सदुपयोग करें और प्रधानमंत्री राहत कोष में दें। ब्लड डोनर हूँ, 73 बार डोनेट कर चुका हूँ। मेरी शहरवासियों से प्रार्थना है कि कोरोना का क्राइसिस लगाओ चल रहा है, तो हम लोग ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, हर रोज़ करा रहे हैं। ब्लड की इतनी दिक्कत है कि पूरी करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, लोग कम आ रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि शहर से निकल कर लोग आएँ, सुबह 9 से 2 बजे तक ब्लड बैंक खुला है, कोई भी आकर ब्लड डोनेट कर जाए। कोरोना कहर के चलते जहां एक और अनेकों संगठन खाद्य सामग्री वितरण के लिए आगे आए हैं, वहीं प्रशासन द्वारा बीपीएल कार्ड धारकों को डिपो होल्डर के माध्यम से मुफ्त राशन बांटा गया। सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ एकत्रित न होने देने के चलते घर घर जाकर यह राशन बांटा गया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। कोरोना वायरस के कारण पूरे प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन में खाने पीने की कोई समस्या न आए, इसके चलते जिला प्रशासन द्वारा डिपो होल्डर्स के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राशन फ्री बांटा गया। किसी परिवार के भूखा सोने की नौबत न आए, इसके चलते ये कार्य किया गया। वैसे छोटी काशी में अनेक सामाजिक संगठन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद बीपीएल परिवारों में डिपो होल्डर के माध्यम से घर घर जाकर फ्री गेहूं बांटा, ताकि लॉकडाउन जैसे संकट की घड़ी में जरूरतमंद परिवार खाने से वंचित ना रहे। ये सरकार की हिदायतों के अनुसार हम डोर टू डोर राशन का वितरण कर रहे हैं, ताकि ये कोविड 19 के लोगों को परेशानी ना हो और इस बीमारी का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े लोगों पर, वो अपने घरों में रहे। इसलिए सरकार की हिदायतों के अनुसार हम डोर टू डोर राशन का वितरण फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही सरकार डिपो होल्डर के थ्रू। कब आया था, कितना राशन आया सर, वार्ड वाइज आया है या फिर? ये डिपो वाइज आता है, जितनी मेरी क्वांटिटी बनती उसी के हिसाब से आया था मेरे पास, 50 क्विंटल के आसपास। और ये 30 तारीख को आया था, 1 तारीख से हमें वितरण करना था, जो कि आज हम कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहाँ स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने पूरी जिम्मेवारी निभा रखी है, वहीं चारों तरफ पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। नगर के अनेक चौराहों पर नाकेबंदी की गई है और पुलिस पर्सनल्स खड़े होकर के दिन रात इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे शहर में पुलिस ने चाक चौबंद कर रखा है, जितने भी वाहन आ जा रहे हैं उन सभी की चेकिंग की जा रही है, जितने भी लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं उनके पासेस भी चेक किए जा रहे हैं, और इनकी तर्ज पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अनेक सामाजिक संगठन भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, जहां पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आइए करते हैं
हमारे पुलिस पर्सनल से इस बारे में बातचीत कि किस तरह के प्रबंध वो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही साथ अपने साथ किसी भी तरह के वाहन की यहाँ जांच कर रहे हैं। यदि किसी पर कोई शक मिलता है तो वाहन को इम्पाउंड भी किया जा रहा है और जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जी बताइए सर। हाँ जी, जो लॉकडाउन की ड्यूटियाँ चल रही है उनके दौरान आने वाले हर व्हीकल को चेक कर रहे हैं। जो एक तो जो लॉकडाउन की ड्यूटी है जो कर्मचारी है उनको तो जाने दे रहे हैं, बाकी जो अदर घूम रहे हैं हाँ जी उनका चलान भी कर रहे हैं, और अगर कोई इमरजेंसी है हॉस्पिटल का कोई मरीज है उनको चेक करके छोड़ रहे हैं। ऐसे तो कम ही आ रहे हैं जी, बाकी जो लोग इमरजेंसी है वो ही ज़्यादा आ रहे हैं जी, बाकी ऐसे तो कोई हाँ जी पूरे दिन के अंदर 7-8-10 आदमी कंटिन्यू जो तकरीबन है ऐसे आ जाते हैं, उनको हम गाड़ियों को चलान कर देते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। तो आप देख रहे हैं शहर के लोग पूरा साथ दे रहे हैं इस लॉकडाउन में, और लॉकडाउन के कारण ही ऐसा लग रहा है कि भिवानी जिले में अभी तक कोरोना पॉजिटिव कोई भी केस नहीं पाया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, सेवक और सफाई कर्मी सभी पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां आप देख रहे हैं कि वाहनों को इस तरह से रुकवाया जा रहा है और उनकी समय समय पर चेकिंग की जा रही है, पूरी की पूरी मार्केट बंद नजर आ रही है। दूर तक आप ये दृश्य देख रहे हैं मेरे पीछे, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके जहां कहीं भी कोई भी व्यक्ति नज़र आ रहा है पुलिस पर्सनल्स उसे तुरंत रोकते हैं और लॉकडाउन में सहयोग करने के लिए उनसे गुहार लगाई जाती है। जहां कहीं भी कोई संदिग्ध नज़र आता है उस संदिग्ध को साथ ले जा करके बराबर में नागरिक अस्पताल है, अस्पताल में उसकी जाँच भी की जाती है। वाहनों के लिए भी किसी भी तरह के अवैध वाहन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो इस तरह से पूरे भिवानी शहर में नाकेबंदी कर हर पॉइंट पे चेकिंग जारी है। महिलाएं खाना बनवा रही हैं, प्रवासी लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उन तक बना बनाया खाना दोपहर में भी और रात में भी पहुंचाया जा रहा है। वहीं उनके घरों तक भी सूखा राशन भी बांटा जा रहा है। यानी प्रशासन अपनी जिम्मेवारी जहाँ पूरी तरह से निभा रहा है, वहाँ लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाने को तैयार हैं और ऐसा लग रहा है कि कोरोना की इस महामारी को पूरी तरह से मात देंगे। कोरोना के कहर के चलते जहाँ एक और लॉकडाउन चल रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी इस सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हैं। आज हम पहुँचे हैं भिवानी के नागरिक सामान्य अस्पताल में, जहाँ आयुष विभाग की तरफ से स्पेशल कोरोना कॉर्नर बनाया गया है, जहाँ सामान्य रूप से पीड़ित खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज भी यदि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी शक है तो यहाँ आ सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं। यहाँ विशेष रूप से प्रत्येक रोगी के आने पर उसको और उसके हाथों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दूरी बनी हुई है, पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है और उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर एंट्री दी जाती है और पूरी तरह से उसका चेकअप भी किया जाता है। इस बारे में आइए हम बात करते हैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी से। जी सर बताइए, इस बारे में क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं आप? एक तो यहाँ हमने साझा एलोपैथ डॉक्टरों के साथ कॉर्नर बनाया है जी, जिसमें मरीजों के चेकअप किया जाता है, और जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है, अवेयरनेस देने के लिए है, वो हम मेरे पर फील्ड में डॉक्टर कर रहे हैं काम और दवाइयाँ दे रहे हैं। इम्यूनिटी पावर के लिए विशेष दवाइयाँ आई हैं जो हम उनको बांट। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आपने बताया, आज ज़रूरत है इसी के लिए लोगों में, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि लोग किस तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। एक तो योगा करें जरूर, प्राणायाम करें, और जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका सेवन करें, तो इससे उसकी क्षमता बढ़ेगी वायरस से फाइट करने के लिए। और मैन ये वायरस फाइट उसी पर करता है जो कमज़ोर होता है, और उसके लिए हमें अवेयर करें। दवाइयाँ देते भी हैं, उनको बताते भी हैं, और योग प्राणायाम इसके लिए बहुत ही सार्थक साबित हुए। फीडबैक लिया है और जो मैं रिपोर्ट भेजता हूँ ऊपर डीजी साहब को, उसमें इसका आया हुआ है, कैसा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए योगा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं, और समय समय पर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है कि गर्म पानी के साथ साथ गर्म पेय पदार्थ पीते रहेंगे तो हमें किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर।
भिवानी पुलिस ने पकड़ा मजदूरों से भरा टैंकर, लॉकडाउन के चलते बंगाल से आ रहे थे मजदूर। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भेजे 20,000 सैनिटाइजर, जेजेपी के जिला प्रधान ने उपायुक्त को सौंपे पैकेट। लॉकडाउन के चलते मिलने वाली 1,000 रुपए की वित्त सहायता के लिए जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, फॉर्म जमा किए जाएंगे नगर परिषद में। लॉकडाउन के चलते शहर के रामबाग में बनाया जा रहा है भोजन, प्रवासी मजदूरों के लिए तैयार हो रहा है भोजन। जरूरतमंदों के लिए महंत ने किया सेवकों के साथ रक्तदान। बीपीएल कार्ड धारकों को बांटा गया जिला प्रशासन द्वारा फ्री गेहूं, डिपो होल्डर के माध्यम से बंटवाया गया गेहूं। पीछे भी पूरा बाजार, ऐसा लग रहा है कि पूरे भिवानी शहर में लोग पूरी तरह से लॉकडाउन में साथ हैं और पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। गांव सांजरवास में युवाओं ने बनाई जुगाड़ू फॉगिंग मशीन की फॉगिंग। चरखी दादरी व आसपास के गांवों में भी लॉकडाउन का दिखा खासा असर। हमारे इस अंक में बस इतना ही, अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।